कावड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड से लगे हुए कस्बा पुरकाजी में सीसीटीवी कैमरे में एक सनसनीखेज तस्वीर कैद हुई है। इस तस्वीर को देखकर समुदाय विशेष के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। दरअसल कावड़ यात्रा में जत्थे के साथ चल रहा एक युवक हाथ में भगवा लिए मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और भगवा लहराने लगता है। इस तरह कुछ देर भगवा झंडा मस्जिद के बाहर लहराने के बाद सीढ़ियों से उतरकर भीड़ में शामिल हो जाता है। यही नहीं, इन लोगों के पीछे चल रही पुरकाजी पुलिस इस पूरे मामले को नजरअंदाज करती है। भगवाधारी की इस करतूत से कस्बे के वर्ग विशेष के लोगों में रोष व्याप्त हो गया है। कहा जा सकता है कि मुजफ्फरनगर में एक बार फिर चिंगारी लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुरकाजी के नगर पंचायत चेयरमैन ने सूझबूझ दिखाते हुए मामले को शांत कर दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस तरह की हरकत करने वालों को नजरअंदाज किया जाए। उन्होंने इसकी जानकारी प्रशासन को भी दी है। अब देखना होगा कि इस मामले को प्रशासन कितनी गंभीरता से लेता है। भगवा लहराने वाला युवक बजरंग दल कार्यकर्ताओं की भीड़ में शामिल बताया जा रहा है। दरअसल राम मंदिर स्वरूप कावड़ को लेकर हरिद्वार से मेरठ की ओर जाते हुए बजरंग दल का एक ग्रुप देर रात मुजफ्फरनगर पहुंचा, जहां उत्तराखंड के बॉर्डर पर मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने मस्जिद की सीढ़ियों पर भगवा झंडा लहरा दिया। मस्जिद की सीढ़ियों पर भगवा लहराने के विषय में जब राम मंदिर स्वरूप कावड़ ला रहे बजरंग दल के प्रदेश संयोजक बलराज डोंगर से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हम तो हरिद्वार की धरती से भगवा फहराते आ रहे हैं। पुरकाजी में अगर कहीं बीच में मस्जिद आ गई तो मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो सड़क पर भगवा फहरा रहा हूँ। भगवा का विरोध करने वाले देश से भगवा को समाप्त करना चाहते हैं, जो छोटी छोटी बात पर दंगा करना चाहते हैं। भगवा तो हरिद्वार से लेकर अयोध्या काशी और मथुरा में भी लहराया जाएगा। मैंने मस्जिद पर भगवा नहीं फहराया, मैं तो सड़क पर फहरा रहा था। मस्जिद बीच में आ गई तो मैं क्या करूं? सड़क पर अगर मस्जिद आती है तो इसमें संगठन व हमारा क्या दोष है? सड़क पर मस्जिद बनती क्यों है? वहीं इस पूरे मामले में जब नगर पंचायत अध्यक्ष पुरकाजी जहीर फारूकी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2:08 पर एक बड़ी कावड़ जा रही थी, उसमें से एक लड़का मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ा और उसने भगवा झंडा लहराना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक वह झंडा लहराता रहा, फिर चला गया। इस दौरान पीछे SO पुरकाजी की गाड़ी भी थी। थोड़ी ही देर बाद अजीब से हालात पैदा हो गए। दरअसल मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। हमने समाज के लोगों को समझाया कि कोई शरारती तत्व है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पुरकाजी के हिंदू समाज के लोगों ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। जहीर फारूकी का कहना है कि मस्जिद पर झंडा लहराने के पीछे माहौल खराब करने का प्रयास था, ताकि मुस्लिम समाज के लोग आकर उसे रोके और माहौल खराब हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बड़ी घटना होने से बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।